परेशान है। मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, कंटिन्यू यात्रा में चल रहा हूँ। हमारी फसलों का दाम तक नहीं मिलता। उनकी कॉस्ट अगर गेहूँ की कॉस्ट अगर 5,000 रुपए पर क्विंटल आती है, उनको 2,000 रुपए मिलते, 3,000 उनका घाटा। मोदी आए गुलाम हो गए, कर्जदार हो गए, आने को ठिकाना नहीं रह गया, बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है, बच्चे को खरीदने का कपड़ा नहीं है, स्कूल में 2 महीना हो गया, फीस दो दो महीना नहीं भर पाता हूँ। हिंदुस्तान को खोखला कर दिया, दिमाग की तरह चाट गया। आम पब्लिक परेशान है हिंदुस्तान के अंदर, न खाने का ठीक, न रहने का ठीक, न सोने का ठीक, एक एक पैसा के लिए मुहताज है। इससे अच्छा कांग्रेस की सरकार थी। खाली जुमला है, देखो उन्होंने पहले काले धन का बोला था कि मैं सरकार में आऊंगा तो काला धन ले आऊंगा। अच्छा, वो काले धन का केस भी चला, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने 60 लोगों के नाम भी इनको दे दिए। उन्होंने आज तक उनको डिक्लेयर नहीं किया है, सीट के नीचे दबाए हुए बैठे। फिर उन्होंने बोला 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, वो भी जुमला साबित हुआ। फिर बोला 2017 में बोला एक बार और वोट दे दो, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, आधी हो गई। अभी किसान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, मीडिया कोई बता नहीं रहा है, मीडिया सारा बिका हुआ है, मीडिया बिका गया है ही उनका ही। इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी अभी आपके सामने आ गया, ठीक है ना, जो क्या मतलब नंगा नाच हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड का, वो उसमें भी क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे, नहीं हम सही है। बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ चंडीगढ़ के अंदर, आपने देखा ना उन्होंने कैसे क्रॉस किया और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। जॉब क्रिएट कहाँ हो गए? अगर पब्लिक के हाथ में पैसा आया तो जॉब क्रिएट हो गए। किसान परेशान है, मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, कंटिन्यू यात्रा में चल रहा हूँ। हमारी फसलों का दाम तक नहीं मिलता। उनकी कॉस्ट अगर गेहूँ की कॉस्ट अगर 5,000 रुपए पर क्विंटल आती है, उनको 2,000 रुपए मिलते, 3,000 उनका घाटा चलता है। अभी वो कह रहे हैं हम किसानों को 2,000 रुपए दे रहे, साल में 3 किस्त का 6,000 रुपए दे रहे। जो फर्टिलाइजर है उनका दाम भी उन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि वो तो एक MOP का जो कट्टा आता पोटास का उसका ही था 2,000 रुपए कर दिया। पहले वो 500 रुपए में कट्टा आता था, तो क्या है उस 4 गुना ले लेते वो लोग। कहने का मतलब ये सिर्फ है ना खाली जुमला है। देखो उन्होंने पहले काले धन का बोला था कि मैं सरकार में आऊंगा तो काला धन ले आऊंगा। अच्छा, वो काले धन का केस भी चला, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने 60 लोगों के नाम भी इनको दे दिए। उन्होंने आज तक उनको डिक्लेयर नहीं किया है, सीट के नीचे दबाए हुए बैठे। फिर उन्होंने बोला 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, वो भी जुमला साबित हुआ। फिर बोला 2017 में बोला एक बार और वोट दे दो, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, आधी हो गई। अभी किसान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, मीडिया कोई बता नहीं रहा है, मीडिया सारा बिका हुआ है, मीडिया बिका गया है ही उनका ही। किसी भी मीडिया का विकिपीडिया में जाके देख लो, मालिक ही हुई है, मालिक ही है ना बीजेपी। आप जी न्यूज को देख लो, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा बीजेपी से राज्यसभा सदस्य लड़ता है, ठीक है ना। सुदर्शन टीवी वाला RSS का भगत है, वो RSS से जुड़ा हुआ है। और जो ये रजत शर्मा है, उनकी माँ पत्नी ABBP से जुड़ी हुई है। बच्चा कौन है? News 18 है, वो रिलायंस का चैनल है। बाकी जो एक दो NDTV था उसको जबरदस्ती एक्वायर कर लिया गया। अब इसे बचा क्या? और 2-4 चैनल कोई बचा है तो उसमें रिलायंस की हिस्सेदारी है। तो जैसे मालिक जैसे कुत्ते को टुकड़ा डालेगा तो वो मालिक में थोड़ा ही फंसेगा, भौंकेगा दूसरे में भौंकेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी अभी आपके सामने आ गया, ठीक है ना, जो क्या मतलब नंगा नाच हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड का, वो उसमें भी क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे, नहीं हम सही है। वो तो हर बार अपने आपको सही साबित करते लेकिन कहीं एक बार भी कर नहीं पाए। और रही बात इलेक्शन की, तो बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, EVM हटाओ, इलेक्शन जीत के बताओ, औकात का मालूम चलेगा। नहीं, नेता क्या बोल रहे, जब आपने देखा भाई हमने बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ चंडीगढ़ के अंदर, आपने देखा ना उन्होंने कैसे क्रॉस किया और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। जब वो खुलेआम ये चीज कर रहे हैं तो EVM तो भैया इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलती है, आप जमीन पे बैठ के चांद पे उपग्रह हैंडल कर सकते हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो 1-2 किलोमीटर की दूरी होती है, EVM तो कहीं से भी हैंडल कर लेगा अगला, ठीक है ना। ये सच्चाई है। क्या उम्मीद है राहुल गांधी आ रहे हैं? राहुल गांधी से बहुत ज्यादा उम्मीद है। हाँ, क्या ये बेहतर कर देंगे जो मोदी जी नहीं कर पाए? जो करेंगे उनका बात से ही बेहतर करेंगे, और कांग्रेस बेहतर करते आई है। हाँ, 70 सालों के गड्ढे 70 साल के लिए 70 साल तो करिए, तभी तो आज जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। 70 साल वाली वही स्कीम चल रही है आज। मोदी आए गुलाम हो गए, कर्जदार हो गए, नहीं रहते तो सही रहे। खाने को ठिकाना नहीं रह गया, बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है, बच्चे को खरीदने का कपड़ा नहीं है, स्कूल में 2 महीना हो गया, फीस दो महीना नहीं भर पाता हूँ। क्या मोदी करके दिए? सर मोदी जी के तो मोदी जी करे क्या? मोदी जी की पार्टी के लोग काफी ये भी तो कह रहे हैं देश आजाद भी 2014 के बाद हुआ, आप इस चीज को मानते हो क्या? तो फिर वो तो बोलते ही झूठा है। अब मेरी बात सुनो, अभी वो जुमला फेंक रहे, कल को वो कहेंगे वो तो जुमला था भाई, हमने तो इलेक्शन जीतना था, जुमला फेंक दिया। बार बार जुमला में थोड़ा ही आएगा। कौन नहीं कहता लगा हुआ हिंदुस्तान को, जिस तरह लकड़ी में दीमक जो लगता है ना, अंदर अंदर खोखला करता है, उसी तरह भाजपा सरकार जो है हिंदुस्तान को खोखला कर दिया, दीमक की तरह गया।
आम पब्लिक परेशान है हिंदुस्तान के अंदर, ना खाने का ठीक, ना रहने का ठीक, ना सोने का ठीक, एक एक पैसा के लिए मुहताज है। इससे अच्छा कांग्रेस की सरकार थी जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, आज़ादी में लड़ा, शहीद दिया, और अब भाजपा वाले आज तक कुत्ता की बलिदान भी नहीं दिया, वो आदमी को बलिदान दे रहा है, वो अपने फायदे के लिए, अपने कुर्सी के लिए। तो हिंदुस्तान को आज़ाद करने वाला और हिंदुस्तान को चलाने वाला कांग्रेस पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर।